जय हिंद दोस्तों, आज फिर एक नए डिजाइन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम लोग एक नया डिजाइन बनाते हैं जो कि एक झंडे का चक्र रहेगा, तिरंगे झंडे का। और एक हम लोग बैच बनाएंगे तिरंगे झंडे का। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोरल ड्रॉ खोल लेते हैं, उसके बाद न्यू पेज ले लेते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद हम लोग एक पॉलीगॉन टूल से एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। इसका ये रहेगा 4, एंटर। इसको खींचते हैं, खींचने के बाद इसको हम लोग दबा देते हैं थोड़ा। उसके बाद इसमें कलर भरते हैं ब्लू। ब्लू भरने के बाद इसका लाइन कलर ये हम लोग नन कर लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, कंट्रोल के साथ खींचिएगा, बन गया। पी दबा के सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद एक गाइडलाइंस लेते हैं, गाइडलाइन पी दबा के सेंटर में करते हैं। फिर एक गाइडलाइन लेते हैं, ऊपर से पी दबा के सेंटर करते हैं। इसको उठा के लाते हैं और लाने के बाद यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और दबा देंगे, थोड़ा और दबा लेते हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पे, ये सेंटर में देखिए, यहाँ सेंटर में यहाँ पर इसका सेंटर को उठा के लाएंगे। तो इस पर एक दो बार क्लिक करते हैं तो इस तरह का सेंटर आ जाता है। सेंटर को पकड़ के लोग यहाँ इस सेंटर पे रख देते हैं। देखिए यहाँ सेंटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये हैंडल है, रोटेशन हैंडल, यहाँ पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पकड़ेंगे और कंट्रोल के साथ इसको एक बार थोड़ा सा घुमाएंगे। देखिए एक बार घूम गया है। और शिफ्ट ये राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से करते हैं हम लोग, कंट्रोल जेड किए, इसका थोड़ा सा हम लोग ये और बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, रोटेशन हैंडल को पकड़ते हैं, कंट्रोल के साथ घुमाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद कंट्रोल आर दबाइएगा, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो इस तरह का ये डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल लेते हैं, एलिप्स टूल से खींच लेते हैं, कंट्रोल के साथ पी दबाते हैं, सेंटर में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का मोटाई हम लोग 3 कर लेते हैं और कलर राइट क्लिक करके ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे एक और सर्कल लेते हैं, कंट्रोल के साथ खींच लेते हैं। खींचने के बाद इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। रखने के बाद हम लोग इसमें ब्लू कलर फिल कर देते हैं और राइट क्लिक करके इसका लाइन कलर नन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ ये सेंटर को हम लोग इसके सेंटर में मिलाएंगे। तो हम लोग इस पर एक बार और क्लिक करते हैं तो ये रोटेशन का सिंबल दिखाने लगता है। तो इसका सेंटर को उठा के इसके सेंटर में रख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका ये रोटेशन हैंडल को कंट्रोल के साथ पकड़ के घुमा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद इसको हम लोग राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं और ये इस तरह से ये चारों तरफ आ गया। ठीक है, ये आ गया, लेकिन ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। हम लोग इसको फिर से करेंगे, कंट्रोल जेड करके फिर से वापस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका साइज को थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। सेलेक्ट करेंगे,
शिफ्ट के साथ थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो गया है। इसका लाइन कलर को फिर से हटा लेते हैं, डन कर लेते हैं राइट क्लिक करके, और फिर से हम लोग इसका ये सेंटर को उठा के हम लोग इसके सेंटर में मिला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रोटेशन हैंडल को पकड़ते हैं, कंट्रोल के साथ इसको एक बार ड्रैग करते हैं, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, और कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं, और ये आपका तब तक प्रेस करेंगे आर जब तक ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ये हो गया। उसके बाद ये बीच वाला सेंटर को हम लोग ब्लू कर लेते हैं और लाइन कलर को नन कर लेते हैं, कर लिए। तो ये हमारा चक्र, झंडे का चक्र बन गया है। तो कंट्रोल के साथ जी कर प्रेस करके इसको ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और पेज लेते हैं, प्लस का चिन्ह पे प्लस करते हैं, क्लिक करते हैं, एक और पेज आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बैच बनाएंगे, तिरंगे कलर का बैच। पेज दो में आ गए, उसके बाद क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, इसे खींच लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल क्यू करके कर्व कर लेते हैं। उसके बाद इससे थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी करके एक और ले लेते हैं, उसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल डी करते हैं, एक और आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर हम लोग रेड कर लेते हैं और जी दबा के ग्रेडियंट कर लेते हैं। उसके बाद एलिप्टिकल फाउंटेन फिल कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, और इस वाइट को हम लोग यहाँ पे 80% और ये 100% करके छोड़ देते हैं। उसके बाद इस वाले पे हम लोग इसका कलर हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ले जाके छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद इसका कलर हम लोग ग्रे कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेते हैं ग्रे, लाइट ग्रे। उसके बाद जी दबा के ग्रेडियंट कर लेते हैं, और इसके सेंटर वाले कलर को हम लोग वाइट कर लेते हैं, वाइट, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग करते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम लोग उठा के इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस पर जी दबा के ग्रेडिएंट हो गया, इस पर इसका कलर हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, और सेंटर कलर को हम लोग लाइट ग्रीन करेंगे, थोड़ा सा लाइट ग्रीन, तो ये कलर डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों का लाइन कलर हटा लेते हैं, नन कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, सीधा हो गया। फिर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, कंट्रोल के साथ खींच लेते हैं, पी दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको उठा कर हम लोग और थोड़ा इसका सेंटर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सेंटर में इसका सेंटर लाएंगे, इसके और एक बार क्लिक करते हैं, ये उठा के इसके सेंटर में ले आए। उसके बाद ये रोटेशन हैंडल को पकड़ के एक बार कंट्रोल दबा के घुमा दिए, ठीक है, सॉरी कंट्रोल दबा के इसको हैंडल घुमाएं और माउस से राइट क्लिक किए, कॉपी हो गया। फिर कंट्रोल से आर प्रेस करते हुए इसको हम लोग पूरा घुमा दिए, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग जो पेज वन में हम लोग रखे हैं ये चक्र को हम लोग कॉपी करते हैं, पेज टू में आते हैं और इस पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल भी। लेकिन देखिए इसका बैकग्राउंड जो है वो यही ग्रीन दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अनग्रुप कर लेते हैं और इस लाइन को पकड़ के इसको हम लोग वाइप कर लिए, पेज डाउन कर देते हैं,
उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, उठाते हैं, और ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल को हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करके इसको हम लोग लाइट ग्रीन कर लेते हैं या डीप ग्रीन कर लेते हैं और इसका लाइनिंग को हटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, वो तो ढक गया लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम लोग रिबन बनाएंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसको ऊपर कर लेते हैं और इसका रिबन बनाते हैं। तो एक फ्री हैंड टूल से एक लाइन बनाएंगे, यह बना दिए। उसके बाद फिर एक और बनाते हैं, फिर और एक बनाते हैं, फिर हम लोग यहाँ से एक लकीर खींच करके यहाँ तक लाते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, इसको और इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद इसके ऊपर हम लोग इसको थोड़ा सा इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंट्रोल जेड कीजिए, यहाँ पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, तो कर्व कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए और इस वाले को भी थोड़ा सा दबा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर हम लोग ये स्मार्ट फील से एक बार क्लिक कीजिए, कलर हो गया। इसको हम लोग एक केसरिया डाल देते हैं और कंट्रोल डी करके हम लोग इसको फिर सेट कर लेते हैं यहाँ से एक और थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल के साथ आर कर कंट्रोल के साथ डी कर लीजिए, फिर हो गया। ये यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा और इधर कर लीजिए। अब इसमें हम लोग ग्रे फिल कर लेते हैं, इसमें हम लोग ग्रीन फिल कर लेते हैं और उसके बाद इसका लाइन कलर को हम लोग ये जो लाइन कलर है इस पर डाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग इस पर आएंगे, राइट क्लिक करके नन कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा खींच लेते हैं और शिफ्ट के साथ पेज डाउन करते हैं। देखिए सी दबा दिए शिफ्ट के साथ। ठीक है, गाइडलाइंस को हटा लेते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग इसके नीचे हम लोग शेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं ग्रुप शेडो में, क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और हम लोग इसको बॉटम राइट में क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको मिला करके हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको ग्रुप कर लेते हैं, पी दबा के सेंटर कर लेते हैं। इसके बैकग्राउंड में एक कोई कलर हम लोग डाल देते हैं, तो हम लोग रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे और कोई कलर डाल के देखते हैं कि किस तरह से लगता है। या फिर चलिए इसी पर डालते हैं। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पेज को लैंडस्केप कर लेते हैं। ठीक है, और ये बैकग्राउंड को हटा लेते हैं और इसको हम लोग अलग रख लेते हैं। ठीक है, और ये वाला को हटा लेते हैं, इस पर फिर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्री हैंड टूल से लाइन खींचते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ खींच लिए। उसके बाद सेप टूल में जाएंगे, इसके बाद राइट क्लिक करके टू कर्व करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से, फिर एक यहाँ रख लीजिए, फिर एक और रख लीजिए, फिर एक और रख लीजिए। ठीक है, तीनों हो गया। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा नीचे दबा देते हैं। ठीक है, और घुमा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद कलर फिल करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है।
फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे स्मार्ट फील पे, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस पर भी, यहाँ भी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे कलर केसरिया, इस पर ग्रे, लाइट ग्रे, इस पर डाल देते हैं हम लोग ग्रीन, ठीक है। और ये साइड वाला को, ये जो लाइन आ रहा है, सबको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसको सेलेक्ट करके इसमें जो लाइन कलर आ रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे आ करके राइट क्लिक करके हटा लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग ड्रॉप शैडो कर लेते हैं, ये ड्रॉप शैडो में जाएंगे और इसको हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो हम लोग कलर है, इसका कलर हम लोग ब्लू कर लेते हैं और जी दबा के इसका हम लोग ग्रेडियंट कर लेते हैं। फाउंटेन फिल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग एलिप्टिकल में जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डाउन कर लीजिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को हम लोग पहले नंबर तो ये वाला जो हम लोग का डिज़ाइन है, इसको ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक करें, प्लेस इनसाइड फ्रेम, वहाँ चला गया, अंदर चला गया। इसको हम लोग पहले ग्रुप कर लेते हैं, सेलेक्ट किए, कंट्रोल जी से ग्रुप किए और ऑब्जेक्ट में गए, प्लेस इनसाइड फ्रेम, चला गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर, ठीक है, ये हो गया। और ये वाले को हम लोग उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग रखते हैं आई लव माय इंडिया, ठीक है, खींच लेते हैं इसे, फॉन्ट थोड़ा अच्छा डाल देते हैं, जैसे कि ये डाल लेते हैं, सेलेक्ट किए, थोड़ा सा खींच लिए। उसके बाद इसका कलर हम लोग कर देते हैं रेड, इस पर हम लोग डालते हैं ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो में जाते हैं, उसके बाद खींच लेते हैं और इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। या इसका कलर हम लोग कोई और करके देखते हैं, ब्लू, रेड, एक तो किए थे, गुलाबी, चलिए गुलाबी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है, इसको जूम करके देख लेते हैं, F9 प्रेस करेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। तो इसी तरह का डिज़ाइन आप भी बना सकते हैं और इसी तरह के बेहतरीन डिज़ाइन देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कुछ रिक्वायरमेंट हो या कुछ तरह का बात अगर कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप कह सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।